आज गोरखधाम एक्सप्रेस 2556 जो दिल्ली से गोरखपुर वापस आई थी और दिल्ली से ही उसमें एक सैलून लग करके आया था। यात्रियों के उतर जाने के बाद जब ट्रेन को बैक किया गया कोचिन कम्प्लेक्स में ले जाने के पहले शंटिंग लाइन जिस पर डेडन लगा होता है, ड्राइवर की लापरवाही से डेडन को तोड़ते हुए निरीक्षण यान की बोगी पटरी से उतर गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने बताया कि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं हुई है और ना ही कोई ट्रेन ही बाधित रहा। दुर्घटना की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।